इश्क में मर जावा। माँ, क्या हुआ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रूम में जाकर रेस्ट कर लो। हाँ हाँ, तुम जाओ ऊपर आराम करो, और तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है तारा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। मेरे दीप के बच्चे की मां बनेगी। मैंने आज तक कभी किसी धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ा। तूने मुझसे मेरा पति, मेरा परिवार छीनने की कोशिश की है ना? मैं तेरी जान ले लूं। बिल्कुल चुप। मुझे धोखेबाज और मक्कार बोलने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखता रहा, तुझे तेरा काला चिट्ठा नजर आएगा। मैंने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया। छीन तो तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ लिया तारा, मेरा भाई छीन लिया, मेरी भाभी और निक्कू, मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरा आत्मसम्मान, मेरी खुशियां, मेरे जीने की वजह, सब कुछ छीन लिया। और मुझसे कह रही हो मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया? छीनूंगी तो मैं अब तुमसे तुम्हारी आत्मा तारा। तू मरेगी तारा, मगर आसानी से नहीं। उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। और वही छोड़ मुझे। जल्दबाजी में कोई भी काम करेगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे तारा। तूने मुझे जेल भेजा था ना, जेल एक भट्टी होती है तारा, जहां लोहा जाता जरूर है मगर फौलाद बन के बाहर निकलता है। वो पुरानी वाली आरोही नहीं रही, जो बात बात पे रो दिया करती थी, कमजोर थी। अब मैं आग बन चुकी हूँ, जिसकी आज से तुम सब चल कर राख हो जाओगे। तो इस परिवार को अपना कहती है। अपनों के दिल जुड़े होते हैं तारा। मैं तो यहाँ इतने दिनों से इन सबके बीच रह रही हूँ, इनमें से किसी को शक तक नहीं हुआ कि मैं तारा नहीं कोई और हूँ। तेरी लाडली माँ को भी शक नहीं हुआ। छे, बहुत ही खोखले रिश्ते हैं तेरे तारा। तुम रो रही हो, अच्छा है। तुम्हारी आंखों में आंसू बहुत अच्छे लगते हैं तारा, जानती हो क्यों? क्योंकि जब जब ये आंसू तुम्हारी आंखों से बहेंगे, ये तुम्हें उस आरोही की याद दिलाएंगे जिसे तुमने खून के आंसू रुलाया था। और मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर तुम सबको रोते हुए देखूंगी। बहुत अच्छा हुआ तारा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने आप यहाँ आ गई, वरना तुम्हें कैसे मालूम चलता कि मैं इस परिवार के वारिस को जन्म देने वाली हूँ। चोर चोर मुझे अभी दिखाती हूँ कैसे। चोर, मैंने कहा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। नहीं, छोड़ मुझे। 3 दिन बाद होली है दीप, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये होली इतनी अच्छी खबर लाएगी। मन करता है कि सारे दोस्तों के साथ ये खुशी बांटूं, पूरी दुनिया के साथ एक पार्टी देते हैं होली की। अम्मी जी, पार्टी तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस पार्टी में सबको बताने वाली हैं कि तारा प्रेग्नेंट है, तो हमें एक बार
तारा का डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। मेरा मन कहता है कि मेरी बेटी मां बनने वाली है बस, और क्या। तुम चाहते हो तो अपनी तसल्ली के लिए करवा लो चेकअप, वैसे अच्छा भी है। मैं जा रही हूँ, पार्टी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, लिस्ट बनानी है, तुम आ जाना मेरे ऑफिस में बात, ठीक है। क्या हुआ तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ कमरे में, जाओ आराम करो। क्यों, तुम्हें तो यकीन ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर मुझे आराम करने की क्या जरूरत है दी? नहीं तारा, ऐसा कुछ भी नहीं, मगर अगर डॉक्टर को दिखा देंगे तो अच्छा है ना। अगर तुम्हें किसी मेडिकेशन की जरूरत होगी तो वो तुम्हें दे देंगे। तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही हैं और जुबान कुछ और। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुश ही नहीं होती। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो मैं ऐसा लग रहा है ना कि मैं झूठ कह रही हूँ। मुझे लगा था ये खबर सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे और मुझे अपनी बाहों में भर लोगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्योंकि तुम गलत हो दी, तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो दीप, कोई भी लड़की अपने बच्चे को लेकर इतना बड़ा नाटक नहीं करेगी। तुम सारे मर्द एक जैसे होते, लड़कियों की फीलिंग्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था दी। I hate you for this. तारा, तारा मेरी बात तो सुनो। तारा, ये क्या है, ये सूटकेस, कहाँ जा रही हो? बहुत दूर, एक घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही होती। एक मिनट, ये सब क्या है? घर छोड़ के जा रही हो मतलब क्या? किसने कुछ कहा तुमसे? किसी बात को बुरा लगा है? मैं इस घर में एक मिनट भी और नहीं रहना चाहती हूँ। जब मेरे पति को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो यहाँ रहकर क्या फायदा? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी के पल में कोई मुझे शक की निगाह से देखे। मैं यहां से जा रही और कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ये, रुको रुको तुम। ये घर मेरा है, एक मिनट नहीं लगेगा मुझे सबके सामने तेरी असलियत लाने का। वो एक मिनट तेरे पास है ही नहीं तारा। थोड़ी देर में तू वापस उस चवन्नी के बंदी गृह में पहुंच जाएगी और मैं इन सब परिवार वालों की नाक के नीचे से तुझे यहां से बाहर ले जाऊंगी और किसी को शक तक नहीं होगा। क्या है दीप, क्या बोल दिया तुमने तारा को? मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, जो कुछ भी कहा आपके सामने कहा, किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। हाँ तो मतलब तो क्या गलत कह दिया तारा? सच्ची तो कह रहा है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का चेकअप तो करवाना पड़ेगा ना बेटा। चेकअप जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। कुछ गलत नहीं किया मां, चेकअप सही है। अगर अपनी बीवी पर शक करना, उसे नाटकबाज समझना, झूठा समझना, ये गलत है मोम। ऐसे भी दीप को इस बच्चे के होने की कोई खुशी नहीं है। इसीलिए मैं यहां से जाना चाहती हूं। तारा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इतनी सी बात को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, हम बैठकर भी बात कर सकते।
ये सूटकेस इतना भारी,